जय सी आराम गाइज, वेलकम टू डे 3 of 45 स्टडी हार्ड चैलेंज। तो गाइज आज मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे और सबसे पहले उठते ही मैंने पिया H2O। पानी पीने के बाद मैंने अपना चेहरा और आंखें ध्यान से देखी तो मुझे पता लगा कि मेरी आंखों में तो स्वेलिंग हो रही है और रेडिश भी हो रही है और यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय बनते हुए। और इतने बड़े बर्तन में चाय बनाने के पीछे भी एक रीज़न है जो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और चाय बन के हो गया तैयार, अब मैं इसको गटक गटक खींची जाऊँगी। कैसी लगी कैसी लगी, एक नंबर। तो चाय पीने के बाद मैं अपना फर्स्ट स्लॉट लगाने के लिए बैठ गई। आज तो अभी तक मेरा एक ही घंटा हो पाया है, 7 बजे तक। अभी बज रहे हैं 7 बजे तक एक ही घंटा हुआ है क्योंकि आज सुबह मैं उठी हूँ लेट क्योंकि रात सोई थी लेट। रात में देख रही थी यूट्यूब पे लाइव अपने भाई की कन्वोकेशन, इसलिए मैं लेट सोई 11:30 के करीब। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कन्वोकेशन अपने भाई की। ये मेरा भाई आता हुआ, अभी मिलाए गए इससे हाथ, उसके बाद इन्होंने इसके कंधे पे पता नहीं क्या रखा है, रख दे होंगे भाई वहाँ से। लो जी मिल गई डिग्री, फाइनली ग्रेजुएटेड हो गया भाई अपना। ये फोटो गाइस, लेट्स चेक हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड द प्लैंक। बना जा प्लैंक कर रही मैं, भग जा। तो ये जेली था, ये मेरे को परेशान करके गया। अब मैं यहाँ पे कर रही थी प्लैंक होल्ड और अपनी उससे तो मैंने टाइमर लगाया था बट ये टाइमर तो कैमरा एंगल से बाहर ही चला गया। बट मैं बता देती हूँ आपको, मैंने 1 मिनट के लिए होल्ड किया था, पूरे 1 मिनट। और जब मैंने स्टार्ट किया ये तब मेरा फेस बिल्कुल ठीक था और जब ये पूरा 1 मिनट होने के बाद मेरा फेस रेडिश रेडिश होता सा चला गया। अब ये मैं यहाँ पर टाइम चेक करते हुए सोच रही हूँ कि हो जाए फटाफट पूरा 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट हो जाए। ओखो रेव करना, ये मेरी सांस फूलते हुए फुलगी सांस, होल्ड होल्ड होल्ड। देखो मुंह पूरा लाल हो चुका है, अब खून है गया पूरा मुंह। थोड़ी देर में खून की उल्टी लगेगी शायद। अभी भी अपने पूरा 1 मिनट को पूरा करने की कोशिश हो या नहीं, अली भी बार बार चेक करियो जेरी, हो जा 1 मिनट हो जा। लियो जी सबर का बांध टूट गया फाइनली, 1 मिनट हो गया। हो गया 1 मिनट, बस बताने की जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने, बता दिया, बोला ना कुछ। लियो जी एक्सरसाइज अपनी हो गई है भाई, डन। गाइस अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक चीज, ये देखिए गाइस, ये है हमारी चाय छाननी। इसकी ये हालत इस शख्स ने की है, देखिए इन्होंने सुबह सुबह अपने लिए दूध बनाया और दूध गिलास में डाल के इसको गैस पे ऐसे ही चलता छोड़ दिया खाली बर्तन को। बेचारी छलनी ने सुसाइड कर लिया। और अगर ये गलती मुझसे हुई होती मेरी हालत भी छलनी जैसी होती। छलनी मुस्कुरा रही है, इतना बड़ा काम करके मुस्कुरा रही है। और इस बेचारे बर्तन की भी क्या हालत है, अगर आप इसको उस टाइम देख लेते जिस टाइम ये जला था, डर जिंदे भाई तुम। गाइस देखिए इस लड़के को, सांप की कांजली लेकर आया, सब तो दिखांदा फिर रहे, 7.5 फीट के सांप की कांजली। गाइस जिसकी तो आंखें भी हैं देखो और मुंह भी है इतना लंबा। सांप की केचुली देखने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। अब मैं धूप में जाके बैठी थी क्योंकि अंदर ठंड लगने लगी है, अब ठंड होनी शुरू हो गई, अब अंदर ठंड लगती है, बाहर धूप में ज़्यादा गर्मी लगा, पर फिर भी मैं धूप में बैठी गई पढ़न। और मैं यहाँ पे पढ़ते हुए ये मैंने अपना 3 घंटे का स्लॉट लगाया था,
फिर अपना ये स्लॉट ख़त्म करके मैं चली गई अंदर। लो जी, अपने अब 3 घंटे भी मार्क कर दिए हैं और टाइमर को फिर से कर दिया है 0। तो दोपहर का खाना खाने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए। ये वाला स्लॉट था ओनली एंड ओनली 2 आवर्स का। अभी इवनिंग वॉक पे से तो आ गई हूँ मैं। अभी मम्मी ने मंगवाई है बाल्टी और पानी मैं बाहर निकालने के लिए। अभी चलते हैं, मम्मी को दे के आते हैं। तो 9 घंटे का अपना टास्क पूरा करने के बाद मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक पढ़नी शुरू की और काफ़ी देर तक इसको समझने के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ अपने व्यूवर्स में भी ज्ञान बांट देती हूँ। फिर मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है, देख लियो भाई थारे समझ में आवागा तो समझ लियो, नहीं फिर रहन दियो। तो आज मैंने इससे सीखा कि आज के टाइम में ना हम चाहें कि अगर हमने काम करना तो हमारे वास्ते वह सिचुएशन परफेक्ट होनी चाहिए जैसी हमने चाहिए, पर सिचुएशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। सिचुएशन हमने परफेक्ट बनानी पड़ेगी खुद, वो अपने आप कभी भी परफेक्ट नहीं होने की। तो अगर हम ये सोच का टाइम वेस्ट कर दे रहा कि हाँ परफेक्ट सिचुएशन आएगी फिर हम कुछ करेंगे, तो भाई ऐसा तो कभी भी नहीं होने का। सिचुएशन ओनली हमें अपने आप ही परफेक्ट बना सका। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर देगा, मारते थाली में परोस का दे सका, बाइट उसकी तोड़ का तो मुँह अपने आप ही पानी पड़ेगी।